अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। शेख, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपने जो इस्लाम औरत से क्या चाहता है, ये आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और जिम्मेदारियाँ औरत के लिए बताई। अल्लाह ताला हमको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए हर औरत को। शेख, मुझे एक सवाल आपसे करना है। क्या आपने बताया क्या इस्लाम में औरत और मर्द का मुकाम एक है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या आप ये प्रॉपर्टीज़ के और हक के बारे में जो डिस्कस आजकल चल रही है, और जो भाई बहन को कोई चीज़ नहीं दे रहा, और माँ बाप की जो जिम्मेदारी रहती कि अपने ज़िंदगी में उनको बेटी का हक भी दे दे और बेटे का हक भी बराबर अपने हाथों से तकसीम कर दे। आज जो लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े फसाद हो रहे हैं, इसका बहुत हर माशरे में बहुत ज़्यादा फसादे भी हो रहे हैं, हर घर में माहौल भी बुरा हो रहा है। इसलिए अगर इस्लाम में दो मर्द और औरत का हिस्सा बराबर है, तो उसमें आधा आधा बेटी को देना चाहिए। हमने खुद जैसा स्टडी भी करे और आपने बताए, तो आधा हिस्सा क्यों जैसा इसमें? सवाल यूँ आया कि इस्लाम में मर्द औरत बराबर है, तो लड़की को जो है आधा हिस्सा क्यों और प्लस वो क्यों दिया नहीं जाता? दो चीज़ें थी सवाल के अंदर। तो पहली चीज़ याद रखिए कि इस्लाम में मर्द औरत बराबर है, लेकिन मैंने शुरू में ये बात रखी थी कि बराबर से माना एक जैसे नहीं है, फ़र्क है। मिसाल के तौर पर इस्लाम ये कहता है कि मर्द का काम है कि औरत की किफालत करे हमेशा, समझ रहे आप? औरत अगर कमाती भी है तो उसका कफील मर्द ही होगा। औरत को ये नहीं कहा जाता तुम अपने ऊपर, वो कमा के हो सकता अपने ऊपर खर्च करे या पूरा जमा कर ले। मर्द को ये नहीं बोल सकता कि आप कमा रहे तो आप खर्च करो, कफील मर्द है। तो अगर प्रॉपर्टी के अंदर मर्द औरत को दोनों को बराबर हिस्सा दे दिया जाता, तो जाहिर सी बात है खर्च का हक तो औरत का ही नहीं, उसको करना ही नहीं। उसका कफील या तो उसका वालिद है, उसका भाई है, उसका शौहर है, उसका बेटा है। तो ये आदमियों पे जुल्म हो जाता है कि उसको जो है खर्च भी करना है और इनको पूरा भी हिस्सा मिल रहा। अब एक लॉजिकली सच, एक इंसान का जिम्मेदार औरत का कफील, कफील से मुराद उसका मालिक, उसका आका नहीं, उसको लाकर खिलाने की जिम्मेदारी इस्लाम बोलता मर्द की है। औरत कमा भी सकती है, उसका कमाना हलाल, उसका तिजारत करना हलाल, सब हलाल, लेकिन वो फिर भी वो खुद मुख्तार है। जैसा कि अगर एक बेटी है, बाप के घर में रहती है और कमाती है, उसकी कमाई में बाप का हक नहीं है, वो उसकी है, बाप ही उसका कफील जिम्मेदार है। तो अब अगर किसी इंसान के घर में इंतकाल होता है तो उसकी बहनें हैं, भाई है, तो अगर मर्दों को भी हिस्सा औरतों को दोनों को बराबर हो जाता तो ये मर्दों पे जुल्म होता कि मर्दों को तो खर्च करना है उसकी, भाई को खर्च करना बहन की शादी होने तक, वालिद का इंतकाल और प्रॉपर्टी के हिस्से में भाई को हिस्सा डबल मिलता है बहनों के मुकाबले में। समझो बहन को एक मिला तो भाई को दो रुपये मिलते हैं, और खर्च भी तो भाई को करना है। अब अगर भाई को भी एक और बहन को भी एक और खर्च भाई करे तो फिर तो जुल्म हो जाता था उसके ऊपर, आप समझ रहे? तो इस्लाम ने ये किया कि जिसको जितनी जैसी जब जरूरत है उतना दिया। अच्छा, ये मसला सिर्फ विरासत का आया, जिंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी औलादे हो सबको बराबर हिस्सा जाएगा। अगर एक इंसान जिंदगी में हिस्से करता अपनी प्रॉपर्टी के, जिसको तोहफा बोलेंगे, विरासत नहीं होती, वो विरासत तो मरने के बाद ही होती है, तो वो बराबर होते हैं, एक रुपया बहन को तो एक रुपया भाई को, बराबर इक्वल। लेकिन जब मरने के बाद होते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, चूंकि मैंने बता दिया मर चुके कफीले जिम्मेदार है, उसका काम है कमाना खिलाना औरत को, तो लिहाजा अगर वो अपना पैसा भी ले और वो बराबर भी पैसा ले फिर उसमें से खर्च करे, तो जाहिर सी बात फिर कफील नहीं बचता था, चूंकि उस पर जुल्म हो जाता कि उसको पैसा गया और उसमें से खर्च गया, लिहाजा जिंदगी में बराबर, जिंदगी की बात अलग वो है। इसमें भी याद रखिए वो सिर्फ बहनों और भाइयों का मसला है, बीवी हो गई, दादी हो गई, वो उनके तो अलग हिस्से, फिर आप समझ रहे ना, ये तो सिर्फ बहन भाई का हो तो होगा, बीवी को 1/8 मिल जाता पहले, वो एक अलग हिस्सा हो गया, ये सिर्फ बहन भाई के हद तक हो जाएगा। जब मेल की मतलब सन्स एंड डॉटर्स जब होंगे सिर्फ उसके अंदर हो रहा है, इसलिए कि लड़के ही लड़कियों पे खर्च करेंगे, उनका करेंगे। और जाहिर सी बात है जब ये लड़की किसी की शादी में जाएंगी तो उसके शौहर भी तो एक हिस्सा मिल के आ रहा, इसका आधा मिल रहा, तो सेम इसके साथ भी होगा। तो ऐसा ओवरऑल देखे तो सबका बराबर हक हो रहा है, किसी पर जुल्म इस मामले में नहीं हो रहा है। रहा जो लोग विरासत में हिस्सा नहीं देते, तो ये उनकी जाती खराबी है, जाती बुराई है, और समाज में चूंकि ये जो जहेज का सिस्टम चल पड़ा, बहुत से लोग बोलते हैं बेटी की शादी कर दिए तो विरासत खत्म, अब विरासत में उसका हिस्सा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो क्या हो रहा है, लड़के बोल रहे नहीं अब्बा तुम बहनों की शादी में 10-10 लाख लगा रहे, हमारी शादी तो 1 लाख में हो गई, लिहाजा बहनों का विरासत का हिस्सा कट, क्योंकि वो हमारी बाद में विरासत इतनी बनने वाली। तो ये सब क्या हो रहा है, वो जहेज की लानतों की वजह से क्या हो गया, विरासतें खत्म होती चली जा रही। तो आप जहेज का सिस्टम खत्म कीजिए तो विरासत सिस्टम बाकी भी रहेगा। और हम विरासत क्यों नहीं देते, इसमें मेरा पूरा एक लेक्चर है जिसमें मैंने 50 पॉइंट्स रखा कि 50 वजूहात जिसको हम बहाना बना के विरासत नहीं देते, तो लिहाजा वो लेक्चर इंशाल्लाह आप देखें, इसमें और तफसीलात मैंने दी है, और इसका गुनाह भी मैंने रखा है कि अगर कोई मारता है तो कितना बड़ा गुनाह है। सिर्फ यहाँ एक बात बता दूँ, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
जो लड़की का हक है याद रखिए उसको पैमाना बनाया है मर्द के हक के लिए, और कहा कि मर्द के लिए जो उसके नसीब में है वलिन निसाई, और औरत के लिए जो उसके नसीब में है। और नस्ब जो अरबी का लफ्ज है उसका माना होता है किसी चीज को कहीं लगा देना, जैसा कि आपने बिल्डिंग की तामीर में एक पत्थर को नस्ब कर दिया वो निकलता नहीं है, अब नस्ब का लफ्ज है उनके नस्ब, उससे लफ्ज नसीब आता है, उसके नसीब में वो चीज है उसका हक, समझ रहे। और औरत को पैमाना बनाया मर्द की विरासत का, लड़की के मुकाबले में लड़के का डबल हिस्सा है, लड़की के मुकाबले लड़की का हाफ हिस्सा नहीं कहा, लड़की को पैमाना बनाया उसके हक को नस्ब करार दिया और इसके देने को फरीजा, फरीजा है, इसलिए विरासत के इल्म को बोलते इल्मुल फराइज, फरीजा है, इसके बाद भी अगर कोई नहीं देता है तो वो एक अल्लाह का फरीजा मारता है, एक नस्ब की हुई चीज वो करता है। और पैमाना अल्लाह ने औरत को बनाया तो पैमाने को छोड़कर अगर कोई हिस्सा कर रहा है तो जुल्म कर रहा है ना एक तरह से, आप बोल रहे पैमाना ये है लेकिन इसको ही नहीं मिलेगा तो ये जुल्म है। तो मैं कहूंगा लड़कों से, मर्दों से कि वो अपनी बहनों पर और दीगर घर की रिश्तेदार औरतों पर, चाहे वो उनकी सौतेली माएँ हों वगैरह वगैरह, कभी जुल्म ना करें, जो उनका हक है उनको देने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।